सो हाई एवरीवन, दिस इज पार्थ गोयल। आई एम सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने लिए परफेक्ट कॉलेज चूज कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं जो आपको कॉलेज में देखना चाहिए। कॉलेज जब हम सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या जो चीजें हैं वो मैटर करती हैं। तो देखो, तुम अभी नीट में सेलेक्ट हुए, 5 साल बाद तुम एक और लड़ाई में जाओगे, वो है नीट पीजी की लड़ाई। नीट पीजी की लड़ाई का जो सिलेबस है उसका सिलेबस नीट के सिलेबस से बहुत ज्यादा है, और उसमें अगर तुम्हारी हेल्प कुछ मिल जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज होगी। पीजी कोटा मतलब कि तुम्हारे कॉलेज में अगर तुम जब पीजी देते हो तो तुम्हारे कॉलेज वाले कुछ सीट रिजर्व करेंगे तुम्हारे लिए, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ क्या होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल ही दूं मैं, जैसे कि IIMS BHU की बात करें तो वहां पे अगर तुम्हें पीजी करना है तो तुम्हें नॉर्मली चाहिए 500 रैंक, लेकिन अगर तुम्हें वहां से तुम हमारे पास रिजर्वेशन है, पीजी कोटा है, उस कॉलेज में तुम पहले से पढ़ रहे हो, तो तुम 8000 रैंक पर भी उस कॉलेज में पीजी कर सकते हो। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो ये तुम्हारी लाइफ इजी बनाएगा अल्टीमेटली। तुम्हें कम मेहनत में भी एक अच्छा कॉलेज पीजी में कर पाओगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लास्ट टाइम पे उस टाइम पे इंटर्नशिप वगैरह बहुत ज्यादा दिमाग का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब ये बहुत हेल्प कर रहा होगा। सेकंड इज बॉन्ड। ये बॉन्ड ज्यादातर स्टेट कॉलेज में होता है। क्या होता है कि 5 साल बाद आपको एक या दो साल के लिए आपको कॉलेज में काम करना होता है, या कॉलेज से जुड़ करके लाइक आपको रूरल सर्विस करनी होती है, तो ऐसा रहता है। तो अगर किसी कॉलेज में बॉन्ड नहीं है तो आप 1-2 साल अपने बचाओगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि जितना हम साल कम मतलब बचाते जाएंगे उतना आप आगे और डिग्रीज, मान लो कि आपको MD के बाद फिर DM भी करना है, तो ये सब आप कर पाओगे तभी जब आपके पास ईयर्स बचे होंगे। थर्ड इज होम टाउन में रहना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होम टाउन में रहना। मैं बोलता हूँ कि UG में तो काफ़ी सही रहता है, क्योंकि क्या होता है कि MBBS में जब आप आओगे तो आप एक श्योर है कि कभी ना कभी तो आपको डिप्रेशन होगा, कभी ना कभी आप सोचोगे कि मैं क्यों जी रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ, ठीक है। उस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो आपके पेरेंट्स आपको देते रहेंगे। मेरे खुद के साथ फर्स्ट ईयर में मैं बहुत लाइक काइंड ऑफ परेशान हो गया था, एंड ये सबके साथ होता है जब आप कॉलेज में जाते हो तो शुरुआती दिन, क्योंकि एक नए आप एनवायरमेंट में आते हो, कई बार आपको वो अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं मेरे को छोड़ देना चाहिए, इस टाइप के ख्याल आते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे साथ भी आएंगे, ये मैं बोल सकता हूँ 99% लोगों के साथ आते हैं। इसके बाद फोर्थ है एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब एक पेशेंट एक्सपोजर। एक हो सकता है कि आपकी जैसे मान लो सिटी में आप जिसमें रह रहे हो, तो उससे डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा एक नए नए आइडिया से टकराओ, क्योंकि जितना बड़ी आपकी सिटीज होगी उतने ज़्यादा वहाँ पे अलग अलग स्टार्टअप्स होंगे, नई नई चीज़ें होंगी, तो उतना ज़्यादा वो बढ़िया रहता है। तो एक्सपोजर ये ध्यान रखना कि वो कॉलेज पे कम डिपेंड करता है, सिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है। मतलब कि एक अच्छा कॉलेज बेकार सिटी में इज नॉट बेटर, बट एक बुरा कॉलेज अच्छी सिटी में वो ज़्यादा अच्छा, तो ये चीज़ मैटर करती है। नाउ क्या चीज़ मैटर नहीं करती, तो कुछ लोग आपसे बोलेंगे कि स्टूडेंट टू कैडेवर रेशो। अब ये आप बताओ कि क्या इससे डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी कॉलेज में मान लो कैडेवर कम भी है, नहीं हो पाता अरेंजमेंट, तो वो कॉलेज बेकार हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें ना आपको हो सकता है आपको लगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी आप कॉलेज चूज करने जाओ ये चारों चीज़ें आप देखो इंस्टेड ऑफ ये, डजेंट मैटर। में हम आते हैं सेकंड पे कैंपस। अब कैंपस कितना भी बड़ा हो, क्या उससे आपकी लाइफ इफेक्ट हो रही है? मतलब कि क्या पीजी कोटे जितना इंपॉर्टेंट कैंपस का भी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करोगे बड़े कैंपस का? रहना तो एक छोटे से एरिया में ही है, उसी कॉलेज में तुम्हें एक क्लास में जाना है, वहां से निकलना है, तो कैंपस डजेंट मैटर यार, मतलब वो तुम सोचो, ठीक है। सेकंड थर्ड फेस भी कितना मैटर करता है। फेस किसी कॉलेज में, देखो कॉलेज सब में फेस्ट होते हैं, किसी में थोड़ा अच्छा होगा किसी में बेकार होगा। अगर तुम्हें फेस्ट में जाना ही है, एम दिल्ली के फेस्ट में जाना, पल्स होता है वहाँ पे, वो सभी कॉलेज के लिए होता है, आराम से एंजॉय करो। फेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। फोर्थ लाइब्रेरी स्पोर्ट्स एरिया। लाइब्रेरी हर कॉलेज में होती है, सफिशेंट किताबें होती हैं लाइब्रेरी में, किसी में सुंदर होगी थोड़ी, किसी में थोड़ी सी बदसूरत होगी, दैट्स ऑल, ठीक है। स्पोर्ट्स एरिया में भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे को पता है मेरी क्लास में अगर 180 बच्चे हैं, मुझे लगता है शायद 10 ज़्यादा से 15 बच्चे जाते होंगे स्पोर्ट्स एरिया में, बाकी अपने घर पे मौज करते हैं, ठीक है, कोई को नहीं पड़ी स्पोर्ट्स करने की। तो ये सब मैटर नहीं करता। तुम्हें लगेगा हाँ किसी में मान लो कि बहुत बड़ा बैडमिंटन कोर्ट है तो वो अच्छा कॉलेज हो गया, लेकिन तुम खुद सोचो तुम उसका यूज करोगे क्या? महीने में शायद एक आध बार कभी बैडमिंटन खेलने जाओ अपने दोस्त के साथ। फिफ्थ इज एज ऑफ इंस्टीट्यूट। नाउ ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आज के टाइम पे ना जब चीज़ें इतनी ज़्यादा ऑनलाइन हो गई हैं, आप ये सोचो कि आपके पास इतने सारे लोग हैं ऑनलाइन आपको गाइड करने के लिए, तो आपको सीनियर्स की इतनी ज़्यादा भी जरूरत नहीं है, बहुत थोड़े थोड़े जरूरत है। मैं खुद पर्सनली 1-2 सीनियर से मेरा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सीनियर से मेरा कॉन्टैक्ट है, मेरे को जितना भी यूज़ होता है मैं ले लेता हूँ, और
आज के टाइम पे चीजें इतनी ज्यादा ऑनलाइन वगैरह हो गई हैं कि इतना मैटर नहीं करता है कि आपको लाइक इन सबसे तो कम ही मैटर करता है एज ऑफ इंस्टीट्यूट। तो पहले ये सब हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एज ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं मैटर करता है बिकॉज आई पर्सनली फील क्योंकि अब आपको गाइडेंस की कोई ऐसी कमी नहीं है आज के टाइम जो पहले थी। नाउ इसी से हम आ जाते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया क्या हमें जो नए एम्स खोले हैं वो लेना चाहिए या स्टेट के टॉप कॉलेज लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो नए एम्स हैं वो लो। उसका रीजन ये नहीं है कि वहाँ पे कैंपस अच्छा है, फैसले अच्छे होते हैं, लाइब्रेरी बड़ी होगी, नहीं नहीं नहीं। उसका रीजन ये है कि स्टेट कॉलेजेस जनरली सारे स्टेट कॉलेजेस में होता है बॉन्ड, जो कि आपको उस कॉलेज में 1 से 2 साल आपका वेस्ट होगा जो कि एम्स में आपका नहीं होगा। सेकंड, स्टेट कॉलेज में हैवी इंटर्नशिप होती है लेकिन एम्स में नहीं होती है, जिससे कि आप क्या होगा कि आप स्टेट कॉलेज में हैवी इंटर्नशिप होगी, आप पीजी की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे लेकिन एम्स में आप कर पाओगे। इसके बाद हम कुछ कॉमन कॉलेज के कंपैरिजन के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि आप लोग मुझसे पूछते हो। तो सबसे पहले तो जो एम्स और स्टेट कॉलेज की बात करें तो एम्स जो कि 2012 में एस्टेब्लिश हुए थे, दे आर मोर प्रेफर्ड ओवर टॉप स्टेट कॉलेजेस, क्योंकि एम्स में बॉन्ड नहीं है, आपका टाइम बचेगा, आप आगे और डिग्रीज करने के बारे में सोच सकते हो, आप एमडी के बाद डीएम करने के बारे में सोच सकते हो जो कि आप नॉर्मली शायद ना ही सोच पाओ। सेकंड, आपके पास लाइट इंटर्नशिप होगी एम्स में, इससे आप पीजी इजीली क्रैक कर पाओगे। अब इसमें दो एक्सेप्शन है जो कि एक केईएम और एसएमएस। अब केईएम मुंबई में है तो मुंबई एक काफी बढ़िया सिटी हो गई जिस वजह से एक एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो केईएम इज सुपीरियर देन हम कहें एम्स नागपुर जो कि एक अकेला मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र में जो कि एम्स है, तो ये हो गया। सेकंड इज एसएमएस जयपुर इज मोर प्रेफर्ड ओवर एम्स जोधपुर, क्योंकि एसएमएस में क्या है कि जो इंटर्नशिप है वो बहुत लाइट है और एसएमएस चूंकि जयपुर एक अच्छे सिटी में है तो यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ जाता है जिस वजह से एसएमएस जयपुर इज मोर प्रेफर्ड। नाउ मोस्ट कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल आईएमएस बीएचयू या केजीएमसी, तो आईएमएस बीएचयू इज मोर प्रेफर्ड बिकॉज आईएमएस बीएचयू में इंटरनल रिजर्वेशन है पीजी के लिए, केजीएमसी में बॉन्ड है 2 साल का, तो ऑब्वियसली आप 2 साल अपना वहां पे वेस्ट करोगे, अच्छा आईएमएस बीएचयू लो और आप इजिली पीजी भी निकाल पाओगे, सब कुछ हो पाएगा। फोर्थ इज की जितने भी आप दिल्ली कॉलेजेस हैं दे आर बेटर देन एम्स जो कि 2012 में एस्टेब्लिश होते हैं। रीजन बिंग दिल्ली कॉलेजेस आर वेरी मच रेपुटेटेड और वहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, सिटी बहुत अच्छी है वो, तो अगर आप दिल्ली कॉलेज में कैसे ना कैसे कर पा रहे हो, कैसा भी दिल्ली कॉलेज हो, यूसीएमएस हो या उससे भी कोई नीचे वाला गवर्नमेंट में, तो आप दिल्ली कॉलेज जरूर प्रेफर करो क्योंकि वहाँ पे डीयू कोटा अगर आपको मिलता है तो आप पीजी में जब जाओगे तो वहाँ पर आप कम रैंक पर भी एक अच्छा पीजी कॉलेज आपको मिल पाएगा, मौलाना आजाद या इस टाइप के कॉलेज आपको इजीली मिल पाएंगे अगर आप दिल्ली के होगे तो, दिल्ली के कॉलेज में आप पढ़े होगे तो, लेकिन नॉर्मली फिर वो बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। नाउ ये जो चीज़ है कि एम्स 2012 इज मोर प्रेफर्ड ओवर जिपमर, नाउ ये वैलिड है नॉर्थ इंडियंस वालों के लिए क्योंकि ऑब्वियसली जिपमर में मैं कहूँगा नॉर्थ इंडियन वालों को नहीं जाना चाहिए जो लोग हिंदी बोली जिन्होंने अपनी जिंदगी भर हिंदी इंग्लिश में ही काम किया है, क्योंकि जिपमर इज समवेयर इन साउथ, वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली अगर आप साउथ इंडियन हो तो आप जिपमर प्रेफर करो, वो बेस्ट होगा आपके लिए। नाउ एम्स 2012 का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये 2012 में जो जो एम्स एस्टेब्लिश हुए थे वो कौन कौन से थे, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश। नाउ ये जो एम्स हैं ये पुराने हो चुके हैं काफ़ी, ये बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो ये अब एक अच्छे कॉलेज हो चुके हैं और चूँकि एम्स है तो एम्स के एक अलग ही लाइक वो सब तो है ही, साथ साथ में बॉन्ड नहीं है और इंटर्नशिप हल्की है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फिफ्थ है कि जो नए एम्स हैं इवन आफ्टर 2012 वाले जो कि अपना बटिंडा हो गया इस टाइप के एम्स हैं, वो आर मोर प्रेफर्ड ओवर एवरेज और बिलो एवरेज स्टेट कॉलेज, मतलब कि एक स्टेट कॉलेज आपको मिल रहा है बहुत बेकार है, वो उससे अच्छा है आप एम्स ले लो जो कि नया है, तो उतना आपको ज़्यादा एम्स में ज़्यादा मजा आएगा, एम्स ज़्यादा सही रहेगा सब तरीके से, बॉन्ड का भी है यहाँ पे, बॉन्ड भी रहेगा यहाँ पे, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं रहेगा, तो आप एम्स प्रेफर करो। अब एक एग्जांपल मानते हैं जैसे कि एमपी का बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा। एमपी के जितने भी स्टेट कॉलेज हैं कोई भी ऐसा ऑल इंडिया लेवल वाला नहीं है, जैसे कि कोई भी इतना रेपुटेटेड नहीं है, आईएमएस बीएचयू केजीएमसी इस टाइप से रेपुटेशन नहीं है, केईएम एसएमएस इस टाइप की रेपुटेशन नहीं है कि ऑल इंडिया वाले उठाते हो। तो जो एमपी का बेस्ट कॉलेज है स्टेट कॉलेज में वो है अपना महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, तो वो उतना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा है आप एमपी का जो एम्स भोपाल है वो लो। तो यही वाली बात हो जाती है कि यहाँ पर हम लगाते हैं ये वाली इक्वेशन कि टॉप स्टेट कॉलेज से भी अच्छा है एम्स जो कि 2012 में एस्टेब्लिश थे और एम्स भोपाल 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपने स्टेट से देख सकते हो कि कौन सा आपकी इक्वेशन आप लगा पाओ
और कौन सा आपको बेस्ट रहे। जो भी आप कॉलेज प्रेफर करो, जो भी आपको कॉलेज अच्छा लगे, जो भी दो तीन कॉलेज में आपको डाउट हो, जरूर वहाँ पे जाकर के जरूर देखो, सीनियर से जरूर बात करो, ये जरूर करना, लेकिन ये तुम्हारे लोग बहुत हेल्प करेगा और तुम्हारे कॉलेज को डिसाइड करने में। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा इसके बाद रिगार्डिंग कि क्या कॉलेज एक्चुअली मैटर करता है। बिकॉज देखो ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या मैटर करता है, एक्चुअली में मैटर करते हो आप खुद कितना कॉलेज में पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ों के बारे में भी एक बात करेंगे हम, क्योंकि मैंने जो कॉलेज चूज़ किया था, मैंने पर्सनली एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉलेज चूज़ किया था, GRMC कॉलेज, जो कि मेरे होम टाउन में है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था होम टाउन, जो मैंने बताया आपको। तो क्यों मैंने चूज़ किया और क्या मैं खुश हूँ इस डिसीजन के साथ, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट।